आमदारांना आव्हान केलेलं नाहीये, या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो। संजय राजजी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है, एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात करूंगा। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ MLA हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए, मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ जैसे आप कहते हो, ये बेईमानी है। सर आणखी एकनाथ शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू द्यायचे। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय, आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। धनुष्य मिळवण्याची मनीषा ही त्यांची योग्य वाटते तुम्हाला? बात करिए क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के MLAs ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है, जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ED के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ED के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ED का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। शिवसेनेचा धनुष्य मिळवण्याची एकनाथ शिंदेची ही मनीषा, फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, सबको पता चलेगा। एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि NCP और कांग्रेस जो है वो शिवसेना, आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए, BJP के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि BJP की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। थैंक यू।